अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुशहाल हैं और सेहतमंद हैं। आज मेरी मॉम आपको खड़ा कीमा बनाना सिखाएंगी। बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये खड़ा कीमा बनाने के लिए हमने लिया है 3 प्याज, 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स, 1 हरी मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, खड़ा कीमे में हमने लिया है 1/2 किलो कीमा और अब हम डालेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मेरी मॉम खड़ा कीमा बनाती हैं तो यूजुअली मेरी मॉम उसके साथ अरहर की दाल भी बनाती हैं। बहुत ही यमी कॉम्बो है, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप भी हमारी तरह खाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे कैसे लगता है आपको ये कॉम्बो, और आप ये रेसिपी भी ट्राई करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अच्छा फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा आपको खड़ा कीमा किस चीज़ के साथ खाना अच्छा लगता है। कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई दाल है या कोई ऐसी सब्ज़ी है, ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर शेयर करिए मेरे साथ, मैं भी ट्राई करना चाहूँगी। और दोस्तों, आपको ये खड़ा कीमा जो है आपको सरसों के तेल में ही बनाना है, क्योंकि सरसों के तेल से जो फ्लेवर आता है वो और कोई ऑयल में नहीं आएगा, तो इससे बहुत चटपटा और यमी लगता है। और फिर आपको थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी कि इससे कीमा गल जाए और ये खड़ा कीमा अच्छे से पक जाए। और फिर दोस्तों, आप ये सामान खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये खड़ा कीमा आपको स्टीम पे पकने को रख देना है जब तक ये कीमा अच्छे से गल ना जाए। ये देखिए दोस्तों, कैसे स्टीम निकल के आ रही है, ये अभी पक रहा है, बहुत ही यमी और अच्छी स्मेल आ रही है। दोस्तों, खड़ा कीमा तकरीबन पक चुका है और बहुत ही यमी लग रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मॉम ने चटपटा सा यमी सा खड़ा कीमा सर्व कर दिया है, ये तैयार है खाने के लिए। तो आप ज़रूर आइए, ट्राई करिए इसको और हमें ज्वाइन करिए खाने में। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और अल्लाह ताला आप सबको खूब खुशियाँ दे और खूब सेहतमंद रखे, आमीन। और ऐसे ही आप हमें दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए और हम जोली किचन फैमिली को बढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह ताला आपसे ऐसी अगली वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।